राहुल डीएस में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लड डोनेट से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रक्तदान महादान होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, और हो सकता है कि कई बार आपने अपने करीबी लोगों को ज़रूरत के समय रक्तदान किया भी हो और शायद आप रक्तदान शिविर में भी रक्तदान किया करते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्तदान करने आप दूसरों की जान तो बचाते ही हैं, साथ ही इस नेक काम की वजह से आपके शरीर को भी काफ़ी फायदे मिलते हैं। शरीर को मिलने वाले इन फायदों के बारे में अगर जान लिया जाए तो हो सकता है कि रक्तदान के बारे में जो भ्रांतियाँ मौजूद हैं वो दूर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करने के लिए आगे आएं, जिससे न केवल दूसरों की मदद हो बल्कि खुद के शरीर को भी फायदे मिले। तो चलिए आज जानते हैं रक्तदान करने के आश्चर्यजनक फायदों के बारे में। रक्तदान का संचार बेहतर होता है। रक्तदान करने वाले लोगों की संरचना प्रणाली में सुधार आता है, क्योंकि बार बार रक्तदान करने से धमनियों को नुकसान कम पहुंचता है, जिससे खून के अवरुद्धि होने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। रक्तदान करने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम हो सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार रक्त डोनेट करने वाले लोगों में स्ट्रोक, अटैक और कैंसर का खतरा काफ़ी कम होता है और ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं होते हैं। आयरन का लेवल संतुलित रहता है। आयरन का संबंध लाल रक्त कोशिकाओं से होता है और स्वास्थ्य व्यस्त व्यस्त के शरीर को 5 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन की ज़्यादा मात्रा लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है और जब रक्तदान किया जाता है तो आयरन कुछ मात्रा में कम हो जाता है, लेकिन आयरन की ये मात्रा खाद्य पदार्थों से वापिस मिल जाती है। आयरन के लेवल में होने वाले ऐसे बदलावों को चिकित्सा विशेषज्ञ सेहत के लिए अच्छा माना है, क्योंकि आयरन की इस मात्रा को ज़्यादा हो जाने पर धमनियों को नुकसान पहुंच सकता है। मेडिकल चेकअप की सुविधाएं सामान्य स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं, लेकिन रक्तदान करने से पहले हर व्यक्ति के शरीर की तापमान, रक्तचाप, हार्टबीट के लेवल को जांचा जाता है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि शरीर को किसी प्रकार की समस्या या रोग का खतरा तो नहीं है, और इस तरह रक्तदान करने से मेडिकल चेकअप की सुविधा भी मिल जाती है। उम्र लंबी होने की संभावनाएं। शोध बताते हैं कि रक्तदान करने वाले लोगों में रोग और मृत्यु का खतरा काफ़ी कम हो जाता है और उनकी औसतन उम्र भी 4 साल बढ़ जाती है। अब तक भले ही आप दूसरों की मदद के लिए रक्तदान करते आए हों, लेकिन अब आप भी जान चुके हैं कि रक्तदान करने से आपकी सेहत को भी कितना फ़ायदा मिलता है। ऐसे में रक्तदान जैसा नेक काम करने से क्योंकि इस दान से कुछ पाने की खुशी भी मिलती है और देने का सुकून भी होता है, उसका अपना अलग ही मज़ा होता है। वैसे हमने यह लेख पृथक अनुभव एवं जानकारी के लिए आधार पर आपसे साझा किया है। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको कोई भी मदद मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी। अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दें। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।